अभिषेक जो करें ठाकुर जी का, वह कितने बजे करें? अभिषेक के भी दो मत हैं। एक तो ठीक रात को 12 बजे अभिषेक होता है, उसमें ये धारणा है कि जन्म हुआ है, लेकिन जन्म तो नहीं हुआ, ये तो जन्म दिन है, जन्म थोड़ी हुआ है। अब जैसे हमारे घर का कोई भाई या बेटा मान लो रात को 2:30 बजे पैदा हुआ हो, तो हम क्या उसका रात को 2:30 बजे जन्मदिन मनाते हैं? नहीं मनाते हैं ना, वो तो उसके जन्म का समय है। तो उनका जन्मदिन जो मनाते हैं वो दिन में अभिषेक करते हैं 12 बजे, 11 बजे 10 बजे से शुरू हो जाएगा, और नहीं तो 12 बजे करें। बहुत से जो भाव प्रधान साधक हैं वह सुबह ही अभिषेक कर देते हैं। ठाकुर जी की जो सुबह सेवा की जाती है उसमें ही सुबह ठाकुर को जल से स्नान करा के और पंचामृत से स्नान करा के, आज जन्मदिन है ठाकुर का, आज ठाकुर को सुबह ही अभिषेक करा के श्रृंगार करा के विराजमान कर देते हैं और उस अभिषेक का पंचामृत का जल स्वयं पान कर लेते हैं। ऐसी भी परंपरा है। तो तीन परंपरा हो गई, एक रात को 12 बजे, दूसरी हो गई दिन में 12 बजे, रात को 12 बजे करेंगे, दूसरे दिन दिन में 12 बजे करेंगे, अथवा सुबह जो 6-7 बजे 8 बजे जब भी आप ठाकुर की सेवा करते हैं उस समय आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। यह भी मत है, जैसा भी आपको अनुकूलता हो, जैसे भी आपकी निष्ठा हो, जैसे आपकी परंपरा हो, वैसे आप कर सकते हैं। जय श्री राधे, तो जय श्री इसमें इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है कि इसका कोई मुहूर्त है या उतने बजे तक? नहीं, जो विधि विधि मार्गी है वो तो इसमें देखते हैं। ये देखिए पंचामृत में भी लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है कोई समय, समय की कोई बाध्यता नहीं है मेरे अनुमान से। आप भावना पूर्वक दोपहर 12 बजे या रात्रि 12 बजे, इसलिए है क्योंकि अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए थोड़ा सा अनुकूलता हो तो 12 बजे के आसपास अभिषेक कर लें, और नहीं तो सुबह अभिषेक कर लें। समय का कोई इसका मुहूर्त आदि नहीं निकलता है कृष्ण जन्माष्टमी का कि ये इतने बजे, जैसे दीपावली का मुहूर्त होता है ऐसा कोई मुहूर्त नहीं निकलता है।